Now, Justice JSK, Chief Justice of India, he has said that privacy is protected under Article 21 and Part 3 of our Constitution. This is what the Chief Justice of India, who is one of the judges in this case, has said. Remember, in a 9-judge bench case, this is always going to be a split verdict. You will have judges who will come out and say, give out their verdict on this. We still need to wait for the entire judgment to be read out. For the time being, though, this is the latest bit of news that we've got, where Chief Justice of India, JS Khehar, has said that privacy is a part of our fundamental right. Now, also Justice Jasmati Chalmeswar. Mohammed, please, I have to hold you for a minute. There's a bite coming in. उसके बाद 1962 में जो दूसरी जजमेंट आई थी खड़क सिंह की, उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ओवररूल कर दिया है. यानी कि 8 जजेस की बेंच और जो बाद में खड़क सिंह की बेंच, दोनों को ओवररूल करके आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने ये कह दिया है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. अब जो बाकी इश्यूज हैं, जैसे दूसरे इश्यूज होते हैं कि वो फंडामेंटल राइट जब होल्ड हो गया तो आधार कार्ड या जितने और भी इश्यूज हैं जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं, तो उनमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करेगी तो वो वायलेटिव होगी. क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि गवर्नमेंट को ये राइट है इंटरफेयर करने का राइट टू प्राइवेसी में भी, लेकिन अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेटेड विद इन द पैरामीटर्स ऑफ आर्टिकल 21, इसका माना ये हुआ कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी या इंस्ट्रक्शन या रूल या रेगुलेशन या एक्ट जो प्राइवेसी को इंटरफेयर करेगा वो स्ट्रक डाउन किया जा सकता है. क्योंकि हमारे संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी रूल रेगुलेशन जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रेंज करती हो तो दैट इज लायबल टू बी स्ट्रक डाउन. वो वायलेटिव है इसलिए क्योंकि आज तक फंडामेंटल राइट नहीं था तो राइट टू प्राइवेसी का हनन हो सकता था, लेकिन आज क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि यह फंडामेंटल राइट है, इसका मायना यह हुआ कि अगर राइट टू प्राइवेसी इंटरफेयर होती है तो वो धारा प्रोविजन को स्ट्रक डाउन किया जा सकता है. इसका आधार के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा. आधार के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि जो आपकी बायोमेट्रिक डाटा डिस्क्लोज हो जाता है, हालांकि पीछे ऐसे भी पता लगा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कुछ आपका प्राइवेट जो डाटा है वो वेबसाइट पे आ गया, तो इसका बेशक एक्सीडेंटली आया हो, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिविजुअल का जो राइट टू प्राइवेसी है, जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, वो वायलेट हो रहा था. लेकिन अब ये वायलेट नहीं हो सकेगा क्योंकि सबसे पहले डिसाइड करना ये था, क्योंकि जो एमपी शर्मा की जजमेंट थी 8 जजेस की, वो ये कहती थी कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है. इसलिए प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सिटीजन के लिए कि जब तक ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आएगा तब तक इसके वायलेशन तो होती रहेगी, क्योंकि संविधान में सिर्फ ये लिखा कि फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है. क्या ये कहना सही होगा दैट नाउ द सिटीजंस हैव द राइट टू नॉट गिव देयर बायोमेट्रिक डिटेल्स एज पर आधार बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल राइट? हाँ, बाय इंसिस्टिंग दैट इट इज अ फंडामेंटल राइट, इसलिए जो आधार कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन रिलीज होनी है वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आने में इंडिविजुअल सिटीजन इसको डिनाई कर सकता है, मतलब इसको लिखने से मना कर सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, इसका हनन हो रहा है. हालांकि हो सकता है इंडिविजुअल राइट्स के लिए सेपरेटली बेंचेस बन के उसको डिसाइड करें, लेकिन जहां तक ताल्लुक है मेन पिटीशन का, जिसने ये चैलेंज किया था कि ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, और 9 जजेस की बेंच इसलिए बनी क्योंकि 8 जजेस का फैसला ऑलरेडी उलट था कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए आज बहुत बड़ी जीत है भारतीय सिटीजन के लिए कि फंडामेंटल राइट जब बन गया है तो उसके प्राइवेट राइट्स का हनन नहीं हो सकता. एक और सवाल, सरकार ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की इम्प्लीकेशंस बहुत मैसिवली इम्पैक्ट होती है अगर आप एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दे देते हैं. व्हाट इज योर रिएक्शन टू दैट? नहीं, देखिए, अब जब 9 जजेस बेंच ने ये डिसाइड किया है कि ये फंडामेंटल राइट हो चुका है, इसलिए जो गवर्नमेंट का, देखिए, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है या कोई भी दूसरा एक्ट है, उसके प्रावधान अगर आपकी राइट टू प्राइवेसी या फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं वो तो बात और है, लेकिन मान लो कोई अक्यूज है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ ऑलरेडी कोई कार्रवाई चल रही है, उसके प्राइवेट राइट्स अगर हनन होते हैं तो वो बात सेपरेट है, वो विद इन द पैरामीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट देखा जाएगा कि हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू. आरके, दिस इज, हाँ, ऐसे. सो द लॉयर वॉज एक्सप्लेनिंग एज टू हाउ, एंड देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच जर्नलिस्ट वर आस्किंग. वी विल गो एंड ब्रेक डाउन दिस वर्डिक्ट to our viewers one by one, but to you, but now going across to Jessica, my colleague. Jessica Tanicha has been patched to me. Jessica, can you hear me? Now, I'll go to Jessica, but before that, Mohammed. Landmark judgment that we were waiting, and what we've been given to understand
is that right to privacy has been held as a fundamental right by a unanimous decision. That is to say, all the nine judges who are hearing this case concur with the fact and agree that under Article 21, that is essentially right to life, which is part 3 of the Indian Constitution, right to privacy is held as a fundamental right. But there is a rider which says that the government can impose reasonable restrictions, which is the case with every other fundamental right as well. So this is a landmark decision, as we were just hearing the lawyer, where he enunciated that this will have many ramifications on a number of the schemes which the government in fact intends to roll out. Mohammed, just hold on for a minute. I'll be back with you. My colleague Jessica Taneja, who was inside the courtroom, is now with me. Now, Jessica, if you can hear me, can you just break down what was discussed inside the court and what happened? Just give us the basic understanding, because you were there, as to what happened inside in the chronological fashion, Jessica. Right, Kartike, actually the Chief Justice was thanking everybody for all the lawyers that contributed to this particular landmark judgment. He began by saying that this is a concurrent judgment. Now, when you say it's a concurrent judgment, Jessica, I would like you to hold your thought for a minute. We are cutting across to Prashant Bhushan. Just be with me on the phone line. It's a usual commotion, you know, I must tell my colleagues. Supreme Court has today held... Supreme Court has today held. आज कोर्ट में क्या रहा है? इस जजमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ऐतिहासिक फैसले में ये बोला है कि निजता का अधिकार यानी कि प्राइवेसी का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है और आगे अभी कुछ नहीं बोला है कि भाई आधार एक्ट वैध है कि अवैध है वो तो एक छोटी खंडपीठ के सामने जाएगा. 9 जजों की खंडपीठ ने पुराने जो फैसले थे जिसमें कहीं कहीं ये लिखा था कि भाई ये राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार नहीं है उसको ओवररूल कर दिया है, बोला है कि मौलिक अधिकार है. इसका ये मतलब है कि अब अगर सरकार कोई कानून बनाती है जैसे आधार का कानून बनाया है जिसमें ये बोला है कि अभी तो ये बोला है कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार नंबर देना होगा, इनकम टैक्स के लिए आधार नंबर देना होगा, ये तो एक बात है. इसको अब देखा जाएगा कि भाई ये एक रीजनेबल कानून है कि नहीं जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके मौलिक अधिकार पर लगाता है. अगर मान लीजिए कल को सरकार ये बोले कि भाई आप जहां ट्रैवल करते हैं रेलवे रिजर्वेशन के लिए, एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए, आप जो खरीदते हैं उसके लिए भी आपको आधार नंबर देना होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास जाएगी, तो ऐसे कानून को अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके प्राइवेसी के मौलिक अधिकार पर माना जाएगा और उसको, मेरी राय ये है कि उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा. लेकिन अभी तक जो आधार एक्ट है वो तो सिर्फ आधार को सोशल वेलफेयर स्कीम्स और इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स रिटर्न के लिए लाजमी किया गया है. ये छोटी खंडपीठ देखेगी, लेकिन मेरी राय में इसको शायद आधार इज कंसर्न. Will it give the citizen the right to not share its biometric details? What happens as far as Aadhaar is concerned? No, this judgment doesn't say anything about the right of, at least the judgment that has been read out so far, does not say anything about the right of citizens not to share their biometric details. Right now, it appears that all that this 9-judge bench has held is that this is a fundamental right under Article 21, and therefore any law which is made
to restrict this fundamental right will have to be examined on the touchstone of Article 21, which means that the court will have to see whether that law imposes reasonable restrictions on your fundamental right to privacy or not. For example, if suppose the government were to tomorrow say that your Aadhaar card or your biometric identification will be required for your travel, for your purchases, etc., in my view, that would be a totally unreasonable restriction on the right to privacy. However, so far as the present Aadhaar Act is concerned, it only requires the Aadhaar card to be used for social welfare schemes and the Income Tax Act requires it for income tax. Yes, हाँ सरकार के लिए ये झटका है क्योंकि सरकार ने ये दलील दी थी कि ये मौलिक अधिकार नहीं. No, that's not very clear as to what impact it will have. That will have to be seen by a smaller bench. They will examine as to what whether requirement of giving biometric data is constitutional or not, because that by itself is not determinative of the fact that you see that privacy is a fundamental right is all right, but any fundamental right is subject to reasonable restrictions imposed by law. Whether the Aadhaar Act imposes reasonable restrictions or not will have to be examined by a separate bench. Sir, doctor, sir, judgment also.